क्लास 9 मैथ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 8 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 48, फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू। कभी भी आपको ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड करने बोला रहे क्वेश्चन में, तो ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड करने का दो तरीका होता है, क्योंकि दो फॉर्मूला ऐसा है जिसमें आप ए क्यू प्लस बी क्यू देख सकते हैं। पहले आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं। एक बार हम वो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और ए क्यू प्लस बी क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में भी आता है। ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी के इक्वल। तो इस फॉर्मूले से भी आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, अगर आप इस फॉर्मूले से ए क्यू प्लस बी क्यूब निकालते हैं तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या चीज क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, ये तो आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आपको ए प्लस बी गिवन होना चाहिए, फिर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन होना चाहिए, और फिर आपको ए बी गिवन होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखिए, ए प्लस बी गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी गिवन है, ए बी गिवन नहीं है। मतलब अगर आप इस मेथड से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर निकाल सकते हैं। एक बार हम सेकंड वाले फॉर्मूले में भी देखते हैं यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीज गिवन होना चाहिए तब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वो देखते हैं। इसमें भी सबसे पहले आपको ए प्लस बी चाहिए, ये तो फाइंड आउट करना है। इसमें आपको ए बी चाहिए, एक और चीज मिल गया, ए प्लस बी तो हम यहाँ पहले ही लिख चुके हैं। तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि हमेशा आपको ये कोशिश करना है, कभी भी अगर ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड करने बोला हुआ रहे तो आपको सेकंड वाले मेथड से ही फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स दो है और अगर आप इस फॉर्मूले से बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपको ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, तीन चीज गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में। तो फिर आप इस मेथड से कभी नहीं बनाए क्या? हम इस मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन तभी बनाए जब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन हो क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भी a प्लस बी चाहिए, इस फॉर्मूले से भी a प्लस बी चाहिए, इस फॉर्मूले में भी आपको ए बी चाहिए, इस फॉर्मूले में भी आपको ए बी चाहिए। इस फॉर्मूले में एक एक्स्ट्रा चीज आपको रिक्वायर्ड है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन होता है तो फिर आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन नहीं होता है तो आप हमेशा इस मेथड से ही बनाएं, हमेशा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं, इसमें देखिए आपको ए प्लस बी गिवन है, तो ये तो जो पहला रिक्वायरमेंट है दोनों फॉर्मूले का आपके पास है। फिर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी गिवन है, तो आपको ये फॉर्मूले में जो एडिशनल रिक्वायरमेंट था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो तो दिया। एक आपको ए बी चाहिए इस फॉर्मूले के लिए भी और इस फॉर्मूले के लिए, और आपके क्वेश्चन में ए बी है नहीं। मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप दोनों में से किसी भी मेथड से बनाएं, आपको ए बी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से बनाएं, ठीक है। तो फिर अब हम सबसे पहले ए बी का आंसर फाइंड आउट करते हैं। ए बी कैसे मिलेगा, कौन से फॉर्मूले में आता है ए बी? यहाँ पर आपको ए प्लस बी गिवन है, यहाँ पर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, फाइंड करना ए बी। फिर आप सोचिए ये तीनों कौन से फॉर्मूले में आता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, ये तीनों एक फॉर्मूले में आता है। कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी। ए प्लस बी का आंसर आपको पता है 8 गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर भी आपको पता है 48, 2 टाइम्स ऑफ ए बी, इससे आपको ए बी का आंसर मिल जाएगा 64 इक्वल्स टू 48 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी का आपका आंसर मिल गया 16, तो ए बी का आपका आंसर मिल गया 8। अब जब ए बी का आंसर आपको 8 मिल गया है तो आप जो मेथड से चाहें उस मेथड से आप ए क्यू प्लस बी क्यूब का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, इसलिए हम स्पेशली यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यूब वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ए प्लस बी का आपको आंसर पता है 8 है, यहाँ पर आप 8 लिख लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 48, माइनस ए बी कितना है, अभी हमने ए बी का आंसर फाइंड आउट किया था 8, तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 40, ये मिल गया आपको आंसर, ठीक है गाइस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है।
आप हमेशा ये बात ध्यान रखें कि आपको कभी भी ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड करना है तो दोनों में से किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं। अगर आप ये पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, और दूसरे वाले मेथड में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं चाहिए। तो कोशिश करें हमेशा दूसरे वाले मेथड से ही बनाने का, लेकिन अगर क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन हो जैसा इस क्वेश्चन में था तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। थैंक यू गाइज, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स से मेंशन करें। इस चैप्टर के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर चेक करें।